आरसीबी वुमन वर्सेस गुजरात जायंट्स वुमन के बीच में आज इस डब्ल्यूपीएल का पांचवा मुकाबला खेले जाने वाला है। अब काफी सारे लोग क्या करेंगे, इस वाले मुकाबले की ड्रीम इलेवन के ऊपर टीमें बना के भी चलेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे कंपटीशन कितना ज्यादा है। मतलब इतने सारे लोग आपके साथ में टीमें बना के चलेंगे, अब इतने सारे लोगों के कंपटीशन को अगर आपको पार करना है तो भाई यहाँ पे आपको यूनिक टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी होगा। अगर यहाँ पे आप यूनिक टीम नहीं बनाते हो तो भाई कहीं ना कहीं आपकी जो टीम है वो इतने सारे कंपटीशन के अंदर ही रह जाती है, और यूनिक टीम बनाने के लिए यूनिक खिलाड़ी लेना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और अभी पिछले जितने भी डब्ल्यूपीएल के चार मुकाबले गए हैं उसके अंदर सीवीसी जो भी थे या फिर जो भी खिलाड़ियों ने अच्छी विकेटें निकाली है वो सारे के सारे लो परसेंटेज खिलाड़ी ही थे। तो इसीलिए जब हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर लो परसेंटेज खिलाड़ी लेके चलते हैं, रिक्सी प्लेयर को लेके चलते हैं, तो हमारी जो टीम है वहां पर रैंक होती है। लेकिन रिक्सी प्लेयर भी सारे के सारे लोग नहीं लेके चलते हैं क्योंकि भाई रिक्स होती है, कहीं ना कहीं भाई वो अगर नहीं चले तो फिर जो पैसे लगाते हैं अगर वो भी वापस नहीं आएंगे तो भाई अगला कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसी सोच काफी सारे लोगों की है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, रिक्सी प्लेयर को नहीं लेके चलते हैं, वो केवल क्या करते हैं सेफ सेफ खिलाड़ियों को ही लेके चलते हैं और सीवीसी भी उन्हीं को बनाते हैं। और बहुत सारे लोग तो भाई टीम में जो बनाई है वो केवल फर्स्ट प्राइज देख के ही टीम बनाई है, बल्कि वो ज्यादा ना तो लॉजिक लगाने वाले हैं ना ही ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं। वो केवल क्या करते हैं खिलाड़ियों को लेके चल लेते हैं, सेफ सेफ खिलाड़ियों में से ही सीवीसी बना देते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि यार हम एक नंबर पे आ जाएंगे। ऐसे आप एक नंबर पे नहीं आ पाओगे, एक नंबर पे आने के लिए भी आपको यूनिक टीम बनाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और ध्यान तो आपको फर्स्ट रैंक पे देना ही नहीं है, ध्यान तो आपको यहाँ पे देना है कि भाई आपको इतने सारे कंपटीशन को पार कैसे करना है। अगर इतने सारे कंपटीशन को जिस दिन आप पार करना सीख जाओगे तो भाई उस दिन से आपके लिए रैंक वन पाना कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। तो इसीलिए आप यही सोचो कि यार मैं एक ऐसी यूनिक टीम बनाऊं जो कि इतने सारे कंपटीशन को पार भी कर पाए। तो इस वाले वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वाले मुकाबले की आपको रिक्सी टीम किस तरीके से क्रिएट करनी है और उस रिक्सी टीम के अंदर इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी को लेके चलना है और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना है, और इन सभी खिलाड़ियों में से हम अपनी रिक्सी टीमों के अंदर कौन से खिलाड़ी को सीवीसी क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आरसीबी वुमन टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। और गुजरात जायंट्स वुमन अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला ले रही है तो फिर आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर क्या बदलाव करना चाहिए, कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको तीन ग्रैंड लीग की रिक्सी टीमें भी बना के बताने वाला हूं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए फिर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वाले मुकाबले की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसके अंदर मैंने आपको पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में बताया है। तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो भाई चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लेना। बाकी फिलहाल हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए फिक्स प्लेयर कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। जैसे ही आप विकेट कीपर वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको बेथ मुनी देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए फिक्स प्लेयर होने वाले हैं। आप जितनी भी टीमें बनाओ हर टीम के अंदर बेथ मुनी को जरूर से लेके चलना। इसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको रिचा घोष देखने को मिल जाएंगे, रिचा घोष भी भाई फिक्स प्लेयर होने वाले हैं। इनका भी परफॉर्मेंस इस वाले मुकाबले के अंदर काफी अच्छा देखने को मिलेगा, तो इनको भी आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चलना चाहे आप कितनी भी टीमें बनाओ। बाकी नीचे के दो खिलाड़ी ज्यादा कुछ खास नहीं होने वाला है, आप आंख बंद करके ड्रॉप आउट कर सकते हो सारी की सारी टीमों से। बाकी विकेट कीपर वाले सेक्शन में जो फिक्स प्लेयर होंगे वो केवल ये दो खिलाड़ी होने वाले हैं। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैटिंग वाले सेक्शन में आपके लिए फिक्स प्लेयर कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। देखो गाइस, वॉलवार्ड पिछले मुकाबले के अंदर लाइनअप में नहीं आए थे, लेकिन अगर इस वाले मुकाबले के अंदर लाइनअप में आ जाते हैं तो आप अपनी हर टीम के अंदर वॉलवार्ड को भी लेके चल सकते हो, ये चीज आप नोटिस करके जरूर से चला। बाकी नीचे आपको लेच फील्ड देखने को मिल जाएंगे, लेच फील्ड भी आपके लिए फिक्स प्लेयर होने वाला है, इनको भी आप जरूर से लेके चलना, ये भी इस वाले मुकाबले के अंदर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। बाकी स्मृति मंदाना हमारे लिए फिक्स प्लेयर नहीं होंगे, इनको कब कौन सी टीम के अंदर लेके चलना है वो मैं आपको वीडियो का आगे बता दूंगा। बाकी नीचे आपको मगाना देखने को मिल जाएंगे, इनको आप ड्रॉप आउट करके चल सकते हो क्योंकि अब की बार भाई इनके फ्लॉप होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होंगे। बाकी नीचे के खिलाड़ी उतने ज्यादा कुछ खास नहीं है तो हम इनको छोड़ के चल सकते हैं। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन में जो फिक्स प्लेयर होगा वो केवल आपके लिए फेफी लिचफील्ड होने वाले हैं, तो आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर फेफी लिचफील्ड को जरूर से लेके चलना। बाकी यहाँ पर ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई एलिस पेरी आपके लिए फिक्स प्लेयर होने वाले हैं, सोफिया डिवाइन फिक्स होने वाले हैं। पिछले मुकाबलों के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया है लेकिन भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी है, बीबीएल जैसे मैचों के अंदर, डब्ल्यूपीएल जैसे मैचों के अंदर ये अच्छे खासे चलते भी है अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले। तो इसीलिए भाई यहाँ पे ये दो खिलाड़ी फिक्स होने वाले हैं, तो इनको आप जरूर से लेके चलना। इसके बाद नीचे आपको गार्डनर भी देखने को मिल जाएंगे, गार्डनर भी फिक्स होने वाले हैं, इनको भी जरूर से लेके चलना। और यहाँ पे मोनिक्स देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपके लिए फिक्स होने वाले हैं। मतलब ऑलराउंडर वाले सेक्शन में जो खिलाड़ी मैंने चार अभी बताए हैं इनको आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चल सकते हो जो कि भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे और काफी जबरदस्त ऑलराउंडर भी है। बाकी यहाँ से आपके लिए फिक्स प्लेयर कौन सा है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बॉलिंग वाले सेक्शन में आपके लिए फिक्स प्लेयर कौन सा खिलाड़ी होने वाला है। तो यहाँ पे आप नीचे
देखोगे तो जॉर्ज वरहम देखने को मिल जाएंगे, ये आपके लिए फिक्स प्लेयर होंगे। आप अपनी हर टीम के अंदर इनको जरूर से लेके चलना। बाकी नीचे आपको यहाँ पे तहुहु देखने को मिल जाएंगे, ये भी फिक्स प्लेयर होने वाले हैं, इनको भी आप अपनी हर टीम के अंदर लेके चलना। बाकी नीचे दो खिलाड़ी और दिख जाएंगे, पहला खिलाड़ी हमारा यहाँ पे तनुजा कंवर और दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए श्रृंका पाटिल, ये दो खिलाड़ी फिक्स होने वाला है। यहाँ से भी ये दो खिलाड़ी आप उठा के चल सकते हो। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में फिक्स प्लेयर कौन सा है वो आपको पता चल चुका है, और मैंने आपको सारे सेक्शन से बता दिया है कि कौन से सेक्शन से कौन सा प्लेयर आपके लिए फिक्स होने वाला है। बाकी अब मैं आपको तीन ग्रैंड लीग रिक्स टीमें बना के बता देता हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। तो पहली टीम हम यहाँ पे ये बना के समझते हैं कि अगर आरसीबी वुमन टॉस जीत के पहले अगर बॉलिंग करने का फैसला ले रही है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में तो ये दो खिलाड़ी आपको आंख बंद करके लेके चलना है, क्योंकि दोनों टीमों के विकेट कीपर है और बैटिंग भी काफी जबरदस्त करते हैं। दो दो एडवांटेज तो वैसे भी इनके पास है, तो इसीलिए ये दो खिलाड़ियों को तो आप फिक्स कर ही लेना। इसके बाद यहाँ पे बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो वोलवार्ड पिछले मुकाबले के अंदर नहीं खेले थे, अगर लाइनअप में आ जाते हैं तो आप बॉलिंग वाले सेक्शन में कोई भी एक खिलाड़ी कम कर लेना और यहाँ पे वोलवार्ड को जरूर से लेके चलना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज नोटिस जरूर कर लेना, क्योंकि इस वाले मुकाबले के अंदर ये खेल भी सकते हैं, क्योंकि गुजरात जायंट्स पिछले मुकाबले के अंदर हार के आई है, तो भाई कहीं ना कहीं वापसी करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये चीज आप नोटिस जरूर कर लेना। बाकी फिलहाल यहाँ पे मैं फेपी लिस्टफील्ड को लेकर चल रहा हूँ, स्मृति मंदाना को भी मैं रिक्स लेके ड्रॉप आउट करने वाला हूँ, ये चीज नोटिस जरूर कर लेना। इनकी जगह पे मैं केवल यहाँ पे फेपी लिस्टफील्ड को लेने वाला हूँ। बाकी नीचे के जितने भी खिलाड़ी है मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट करके ही चलूंगा, जो भी इंपोर्टेंट खिलाड़ी है वो मैंने आपको बताई दिया है। बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन में मैं एलिस पेरी को लेकर चलूंगा, सोफिया डिवाइन को लेकर चलूंगा, एशली गार्डनर को लेकर चलूंगा, इसके बाद यहाँ पे मोनिक्स को लेकर चलूंगा, और यहाँ पे एक खिलाड़ी मैं रिक्स और लेने वाला हूँ और वो है यहाँ पे स्नेह राणा। यानी कि ये पांच खिलाड़ी मैं ऑलराउंडर वाले सेक्शन में लेने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब तीन खिलाड़ी मैं लेके चलूंगा वो बॉलिंग वाले सेक्शन में लेके चलूंगा, जिनमें से पहला खिलाड़ी हम जॉर्ज वरहम को लेके चलूंगा, इसके बाद तहुहु को लेके चलूंगा और यहाँ पे तनुजा कंवर को लेके चलूंगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वाले कॉम्बिनेशन में हमारे विकेट कीपर वाले सेक्शन में दो खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी यहाँ पे मैंने बैटिंग से लिया है, पांच खिलाड़ी जो लिया है वो मैंने यहाँ पे ऑलराउंडर से लिया है, और तीन खिलाड़ी यहाँ पे मैंने बॉलिंग वाले सेक्शन में लिया है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन काफी यूनिक और काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी भी ड्रॉप आउट हुए हैं बैटिंग वाले सेक्शन में, केवल एक खिलाड़ी को ही लिया है, बाकी दो खिलाड़ी यहाँ पे विकेट कीपर वाले सेक्शन में लिए हैं, जो कि भाई दोनों के दोनों अपनी अपनी टीमों से विकेट कीपिंग करेंगे और बैटिंग आ जाएगी तो बैटिंग भी काफी जबरदस्त करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको लिया है। बाकी पांच खिलाड़ी जो लिया है वो यहाँ पे ऑलराउंडर से लिया है, जो कि भाई बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी काफी जबरदस्त करने वाले हैं। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में भी तीन खिलाड़ी हमारे पास ऐसे रहेंगे जो कि भाई काफी अच्छी विकेटें भी आपको चटका के देने वाले हैं। बाकी ज्यादातर मैंने कोशिश यही की है कि जो भी स्पिनर है उनको मैंने यहाँ पे बढ़ा के लिया है, यानी कि स्पिनरों को ये वाला पिच सपोर्ट भी करता है, तो भाई कहीं ना कहीं वो काफी अच्छी यहाँ पे विकेटें भी चटका सकते हैं, तो इसीलिए मैंने उनको लिया है। बाकी एक कॉम्बिनेशन आप ऐसा जरूर से बनाना जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीबीसी की बात की जाए तो भाई एशली गार्डनर को आप कैप्टन बना के चल सकते हो, और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई सोफिया डिवाइन को भी बना सकते हो। ये दो खिलाड़ी भी सीबीसी के लिए बेस्ट होने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि गुजरात जायंट्स पिछले मुकाबले के अंदर हार के आई थी, तो भाई गुजरात जायंट्स भी भाई बैटिंग और बॉलिंग काफी जबरदस्त करने वाली है, और एशली गार्डनर आपको पता है कि ऑलराउंडर खिलाड़ी है, अगर ये 50 या फिर 60 रन भी बना देते हैं और तीन चार विकेटें भी चटका देते हैं तो भी यहाँ पे हमारे लिए कैप्टन का ऑप्शन ये अच्छा बन जाते हैं, और वैसे भी स्पिनरों को ये वाला पिच सपोर्ट भी करेगा और ये भी स्पिनर है, तो इसीलिए भाई ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप चाहो तो भाई एक कॉम्बिनेशन आप कुछ इस तरीके से बना के कुछ इस तरीके से इन खिलाड़ियों को सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है वो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात जायंट्स अगर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे विकेट कीपर वाले सेक्शन में ये दो खिलाड़ी तो आप आंख बंद करके लेके चलना। इसके बाद यहाँ पे आपको बैटिंग वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे आपको फेबी लिचफील्ड को यहाँ पे भी लेके चलना है, मतलब यहाँ तक तो आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज आपको यहाँ पे करना है। अगर वोलवार्ड लाइनअप में आ जाते हैं तो आप वोलवार्ड को जरूर से लेके चलना। बाकी यहाँ से भी मैं ज्यादा फिलहाल खिलाड़ी नहीं लेके चल रहा हूँ, केवल एक खिलाड़ी यहाँ से भी लिया है। अब मैं जो चेंज करूंगा वो ऑलराउंडर से और बॉलिंग से करने वाला हूँ, अब वो किस तरीके से वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पेरी को लेके चलूंगा, इसके बाद सोफिया डिवाइन को लेके चलूंगा, गार्डनर को लेके चलूंगा और यहाँ पे मोनिक्स को लेके चलूंगा। यानी कि ये जो चार खिलाड़ी है ये ऑलराउंडर से लेने वाला हूँ। यहाँ पे स्नेह राणा को भी मैंने ड्रॉप आउट किया है, ब्रेशी को भी यहाँ पे ड्रॉप आउट किया है। बाकी नीचे के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो हम इनको छोड़ के ही चलेंगे। अब बॉलिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं वरहम को लेके चलूंगा, इसके बाद तहुहु को लेके चलूंगा, तनुजा कंवर को लेके चलूंगा और यहाँ पे श्रृंका पाटिल को। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर भी जो खिलाड़ी मैंने लिए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और इस वाले मुकाबले के अंदर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी करके देने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर गुजरात जायंट्स अगर टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला ले रही है तो यहाँ पर वो विकेटें काफी ज्यादा और काफी अच्छी
निकालने ही वाली है। तो इसीलिए बैटिंग वाले सेक्शन में एक तो मैंने ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पे आरसीबी की तरफ से नहीं लिए है, दूसरी बात ऑलराउंडर की बात की जाए तो भाई ये सारे के सारे जितने भी आरसीबी के खिलाड़ी है ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये थोड़ी बहुत रन भी बनाएंगे और थोड़ी बहुत अगर विकेटें भी निकालेंगे गुजरात जायंट्स की तो भी भाई आपकी टीम के अंदर होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इनको लिया है। बाकी बोलिंग वाले सेक्शन में मैंने खिलाड़ी काफी अच्छे बढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होने की वजह से विकेटें भी दोनों टीमों की आपको अच्छी खासी नजर आने वाली है। तो इसीलिए हमारे जो कॉम्बिनेशन के अंदर खिलाड़ी जो है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में मैं जो सीवीसी क्रिएट करने वाला हूँ जिनमें से हमारा कैप्टन जो होगा वो यहाँ पे बेत मुनी होंगे और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो सोफिया डिवाइन होने वाले हैं। बेत मुनी को मैंने कैप्टन इसलिए बनाया है क्योंकि भाई जीतने की कोशिश गुजरात जायंट्स इस वाले मुकाबले को पूरी करेगी और बेत मुनी यहाँ पे पावर प्ले के अंदर खेलने वाली है यानी कि ओपनिंग करने वाली है। अगर ये ओपनिंग के अंदर भी टिक जाते हैं तो भी भाई आपको काफी अच्छे रन बना के देने वाले हैं। तो इसीलिए बेत मुनी का ऑप्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कैप्टन के लिए, तो आप इनको कैप्टन बना के चल सकते हो। और वैसे भी आपको पता है कि विकेट कीपिंग करेंगे तो भाई तो स्टंपिंग से भी ये आउट कर सकते हैं खिलाड़ियों को, तो इसीलिए आप इनको आराम से कैप्टन बना के चल सकते हो। बाकी वॉइस कैप्टन का ऑप्शन यहाँ पे सोफिया डिवाइन का भी काफी जबरदस्त है तो आप इनको भी वॉइस कैप्टन बना के चल सकते हो। बाकी कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप भी जरूर से बनाना जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। बाकी ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, कोई अपडेट होगा तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बाकी अब मैं आपको ग्रैंडली का तीसरा कॉम्बिनेशन बना के बताता हूँ। अब ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में विकेट कीपर वाले सेक्शन में सबसे पहले ये दो खिलाड़ियों को लेकर चलेंगे, इसके बाद बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे मैं फेबी लिचफील्ड को लेकर चलूंगा, वॉल वार्ट अगर लाइनअप में आ रहे हैं तो भाई मैं इनको भी लेके चलूंगा, इसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन की बात की जाए तो सोफिया डिवाइन को लेके चलूंगा, गार्डनर को लेके चलूंगा, फेरी को भी लेके चलूंगा, इसके बाद यहाँ पे स्नेह राणा को लेके चलूंगा, मोनिक्स को लेके चलूंगा और दो खिलाड़ी जो लेके चलूंगा ओनली फॉर वो बोलिंग वाले सेक्शन में लेके चलूंगा, जिनमें से पहला खिलाड़ी हमारा यहाँ पे जॉर्ज वरहम और दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो तनुजा कवर। ये दो खिलाड़ी मैं यहाँ पे बोलिंग वाले सेक्शन में लेके चल रहा हूँ, बाकी जो भी खिलाड़ी है मैं फिलहाल इस वाले कॉम्बिनेशन में ड्रॉप आउट करके चल रहा हूँ। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इस वाले कॉम्बिनेशन में यहाँ पे गुजरात जायंट्स की तरफ से भी आपको अच्छे खासे खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं जो कि भाई अच्छी खासी बैटिंग भी करेंगे और आरसीबी वुमन की तरफ से भी आपको ये खिलाड़ी अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं जो कि भाई अच्छी खासी बैटिंग भी करने वाले हैं और बॉलिंग आ जाएगी तो बॉलिंग भी करेंगे। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है। बाकी एक चीज आपने नोटिस जरूर की होगी कि मैंने जितने भी टीमें बनाई है उसके अंदर स्मृति मंदाना को नहीं लिया है, यानी कि हर टीम के अंदर उनको मैंने ड्रॉप आउट किया है और वो फ्लॉप भी जा सकती है। तो इसीलिए भाई अगर आप चाहो तो इनको ड्रॉप आउट करके चल सकते हो। बाकी अगर आप ज्यादा ही टीमें बनाते हो जैसे कि 5 या फिर 10 टीमें बनाते हो तो एक आठ टीम के अंदर उनको रखे चल लेना, बाकी ज्यादा टीमों के अंदर उनको बिल्कुल भी मत रखना क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी नहीं होंगे और वो जल्दी फ्लॉप भी जाने वाले हैं। बाकी बेस्ट कॉम्बिनेशन तीसरा कौन सा होने वाला है वो आपको पता चल चुका है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में सीवीसी बनाना चाहते हो तो भाई कैप्टन आप सोफिया डिवाइन को बना सकते हो और वॉइस कैप्टन आपके लिए बेत मुनी का भी बेस्ट रहेगा। तो तीसरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी आपको ही पता है कि यहाँ पे कंपटीशन काफी ज्यादा है तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन जरूर से बनाना ताकि उनमें से आपका एक ना एक कॉम्बिनेशन अच्छा खासा रैंक भी हो पाए। बाकी अभी जो मैंने आपको तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के बताए हैं कैसे लगे कमेंट करके जरूर से बताना। आप ड्रीम इलेवन के ऊपर टोटल कितनी टीमें बनाते हो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वाली वीडियो को हम यही पेंड करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।